हेलो दोस्तों, स्वागत है और नई वीडियो में। आज बात करने वाले पाइलिंग रिग के बारे में। आप पाइलिंग रिग का काम ऑपरेटिंग सीख सकते हो, हेल्प रिग कितना दिन करना पड़ेगा और आपको सैलरी कितना मिलता है। भाई सैलरी देखो तो लाइसेंस के ऊपर मिलता है, आपको जितना लाइसेंस पुराना रहेगा उस हिसाब से सैलरी आप ले सकते हो। और आपको दिखाता हूँ केबिन और इसके बारे में आज बताऊँगा कि इंडिया में लगभग 40,000 50,000 60,000 वाले भी ऑपरेटर हैं। ये देखिए इसका केबिन कितना साफ़ सुथरा है। सबसे पहले बता दो, ये देख लो आप, ये मशीन मार्च करने के लिए आगे पीछे इसे मार्च कर सकते हो आप। एक ट्रैक, दूसरा ट्रैक का भी है, सिंगल सिंगल ट्रैक का सिंगल सिंगल है। मार्जिंग करने के लिए आप कटिंग वटिंग कर सकते हो। हाँ, जो लोग पोकलैन वगैरह चलाते हैं भैया, उनके लिए बहुत आसान है। ये देखो इसका डिस्प्ले आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ मैं वो, ये देखो आप। बाकी ये फंक्शन है, बटन है। आपको कोई भी चीज़ यूज करना या मशीन मार्च करना हो तो ये वाला दबाएंगे तब जाके होगा। इसी प्रकार से और भी है, जो आपको काम करना हो तो सबसे पहले इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हो। अब ये देखें, ये लीवर है, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। ये एक्चुअली क्या है ना, ये केली फंक्शन के लिए है। आप केली रोटरी इससे घुमा सकते हो, डाउन कर सकते हो, उठा सकते हो। ये मशीन 360 डिग्री पे रोटेट होता है, इसके लिए भी इसमें फंक्शन है, और भी इसमें फंक्शन है। आप मास डाउन कर सकते हो, पूरा फुल कर सकते हो। ये देखिए स्पेशल में एक और दिया था स्विच, जिससे आप मास को पूरा डाउन कर सकते हो। मास कब डाउन करते हैं, जब मशीन को लंबा मार्च करना हो, टेलर पे लोड करना हो तो कर सकते हैं। हमने एक वीडियो डाला हुआ है इसमें, टेलर पे आप कैसे लोड कर सकते हो, मशीन कैसे लोड होता है, आप एक बार चैनल देखें आप। और जिस भाई को ये मशीन सीखना ना, आप चैनल सब्सक्राइब करो और नाम और नंबर भेजो इनबॉक्स में, मैं चेक करके, या कमेंट में आप डाल दो, मैं आपको चेक करके, फिर जहाँ भी खाली रहेगा मशीन सीखने के लिए आपको मैं मैसेज कर दूँगा। हाँ, आपसे कांटेक्ट तो नहीं रख सकते, मैसेज करके आपको बता सकता हूँ। आप जाके वहाँ पे सीख सकते हो और आपके बारे में उस कंपनी में बात भी कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ सीखने के बाद आपका एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, आपने और लाइसेंस के ऊपर होता है। आपका एक्सपीरियंस कम भी हो, 2 साल 3 साल भी हो, अगर लाइसेंस पुराना है 4 साल 5 साल 40 साल 45 साल 50 साल तक सैलरी आप ले सकते हो। ये देखें जो भाई ट्रक वगैरह सीखते हैं ना, ये देखिए ये इसमें पावर बताता है। अब पावर क्या होता है आप जब आएंगे सीखें बताएंगे। हाँ, केबिन फुल एसी होता है भाई, देखो ये एसी है। आपको और दिखा दूँ मैं, ये देखो पूरा पीछे एसी एसी है। ये देखो स्पीकर है, यानी ये समझो कि ऑपरेटर का भाई मज़ा ही मज़ा है। देखो बारिश के मौसम में भी आराम से अंदर बंद के बैठा रहता है, काम बाहर होता रहता है। ये देख, ये एसी का जो है और फैन का यहाँ से कंट्रोल होता है। ये इसका गियर लीवर है, आप ये इसको जब तक उठाएंगे नहीं तब तक आप कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। अब ये उठ गया फंक्शन काम करेगा, अब इसको गिरा देंगे आप, फंक्शन कोई भी नहीं काम करेगा। ये देखें, और इसको सीखने के लिए आपको चार सीखने वाले 2 महीने में सीख रहे हैं, 4 महीने में सीख लेते हैं, वो सिखाने के ऊपर है आपको कौन सिखा रहा है। हाँ, बाकी ऑपरेटर इसमें जो भी आपको सिखाया सब अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है। ऐसा नहीं आप जो ट्रक जो लोग सीखते हैं या टेलर सीखते हैं, उनको क्या होता है कि भाई ड्राइवर का खाना बना के खिलाना पड़ता है, कपड़ा धुलना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंपनी रूम देगी, खाने की भी देती है पैसा बहुत जगह, और बहुत जगह खाने के नहीं देते हैं, रूम में सब मिल के खाना बनाते हैं और एक जैसे रहते हैं। तो ये देखें, और अच्छा खासा सैलरी भी है इसमें। जो बंदे 4 साल 5 साल पुराना है, आराम 40 साल 45 साल 50 साल सैलरी उठा रहे हैं, और आप 6 महीना में सीख सकते हो, 8 महीना में, साल हो रहे हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ जो भी इस मशीन को सीखने आए कम से कम 1 साल से 1.5 साल से 2 साल तो सीखे ज़बरदस्ती, क्योंकि आप जितना सीखोगे उतना आपके लिए फ़ायदे है। आगे चल के आप जब ऑपरेटर बनते हो आपको सारा जानकारी होता है मशीन के बारे में, क्योंकि मशीन में बहुत सारा है। ये ड्रम देखो, वायर रोपर, बहुत सारा काम रहता है। जो अब ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ब्रेकडाउन होता है, ख़राब होता है, तो ये खुद अपने रिपेयर कर लेते हैं ऑपरेटर वगैरह मिलके। तो जो अच्छे जानकार होते हैं कंपनी उनका आगे रख देती है, उनका मशीन हैंडल करने के लिए। आप घूम घूम के साइड में मशीन देखते रहते हो, आपका कौन सा मशीन चल रहा है, कौन सा ख़राब है, तो कंपनी आगे देती है कि भैया आप देखो, आप अच्छा मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो आप देखो आप करो, तो मशीन दे देती है, साइड देती है, आप देखते रहो भाई। कोई भी ख़राब होएगा डायरेक्ट कंपनी फ़ोन में सामान मांग के रिपेयर करवाओ चल गया आप, यानी पूरे मशीन का एक इंचार्ज हो जाते हो। इस प्रकार काम होता है। तो हेल्पर की सैलरी में बता दो, हेल्पर की सैलरी होता है अगर आप सीखना हो तो 10,000 12,000 भी मिलता है, 13,000 14,000 तक मिलता है, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है।
और ये देखें बाकी ऑपरेटर, एक और फुल वीडियो इस पर बनाऊँगा डिस ऑपरेटर के बारे में और इसके जॉब के बारे में, मशीन के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और आज के लिए इतना ही। ओके बाय।